चैनल माँ की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं अचारी भरमा बैंगन। जिन्हें भरमा बैंगन की सब्जी पसंद है उन्हें ये अचारी भरमा बैंगन की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। ये अचारी भरमा बैंगन बनाने के लिए हमने अचार में डलने वाले मसालों का यूज़ किया है। ये अचारी बैंगन की सब्जी चटपटी और मसालेदार होने से बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आप पूरी, पराठा, चावल के साथ खा सकते हैं। चलिए इस स्वादिष्ट और मसालेदार अचारी भरमा बैंगन को कैसे बनाते हैं देखते हैं। अचारी भरमा बैंगन बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो बैंगन, जिनको अच्छे से धो के साफ कर लिया है। अब हम सबसे पहले इनका मसाला तैयार करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। अब हम इसमें एक चम्मच सौंफ डालेंगे, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच मेथी दाना, एक चम्मच कलौंजी और एक चम्मच राई। अब हम इसे धीरे धीरे सेकेंगे और हमें 2 से 3 मिनट इसको से भूनना है। और हल्की सी जब इसमें से खुशबू आने लगे जब हम गैस को बंद कर देंगे। ये 2-3 मिनट हो चुके हैं, इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। ये हमारा मसाला सिक चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इस सिके हुए मसाले को मैं एक बाउल में निकाल कर ठंडा होने रखूंगी। जब तक हमारा ये मसाला ठंडा हो रहा है, हम ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये 2 प्याज ली है और ये 3 टमाटर लिए हैं, जिनको हम पीस कर रख लेते हैं। अब हमने ये प्याज और टमाटर को पीस लिया है। अब हमारा भुना हुआ मसाला ठंडा हो चुका है, इसे मैं अब खल्लड़ में डालकर दर दर अब कूटूंगी। ये हमारा मसाला कूट चुका है, अब हम इसको बाउल में निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल दरदरा कूटा है हमने इसको, ऐसा ही कूटना है। अब हम ये एक अदरक का टुकड़ा है और कुछ लहसुन की कलियां हैं, इनको भी इसी खल्लड़ में कूटेंगे। ये हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी कूट कर तैयार कर लिया है। अब हम ये बैंगन लेंगे। अब इनको मैं ये चाकू की सहायता से ये 2 कट लगा रही हूँ। ये इस तरह से हम बैंगन काट लेंगे और इसकी डंठल को छोड़ देंगे, इसको हमें हटाना नहीं है। इसी प्रकार हमने सारे बैंगन काट लिए हैं। अब हम एक बाउल में ये थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ले रही हूँ मैं, लगभग आधा चम्मच, आधा चम्मच नमक और आधा ही चम्मच हल्दी पाउडर, इन सबको मिक्स करते हुए ये मिक्स कर लेंगे। ये सब मिक्स हो चुके हैं। अब हमें इनको बैंगन में, ये जो कटे हुए बैंगन हैं इसमें लगाना है। ये मैंने हरे बैंगन लिए हैं, आप इसकी जगह काले बैंगन आते हैं या जो आपके पास उपलब्ध हो आप उनसे बना सकते हैं इस सब्जी को। ये इसी तरह आपको सभी बैंगनों में इसको लगाना है। हमारे ये सारे बैंगनों में मसाला लग चुका है। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें मैंने ये 2 चम्मच तेल डाल लिया है। अब हम इन बैंगनों को इसमें एक एक करके रख देंगे। अब इन पे थोड़ा थोड़ा सा मैं ऊपर से तेल और डाल दूंगी और इसको हाफ कुक करना है। लगभग इसको 5 मिनट के लिए मैं ढकूंगी और बीच बीच में हम चलाकर देखते रहेंगे इसको। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं और इन्हें पलटा देते हैं। ये हमने सारे बैंगन पलट दिए हैं, एक तरफ से इनका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। चलिए हम अपने बैंगन चेक कर लेते हैं। ये आधे पक चुके हैं,
इनको मैंने बीच बीच में चलाते रही थी। इसको लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये हमने निकाल के रख दिए हैं। अब पैन में हम ये तेल लेंगे। ये तेल ले लिया है मैंने, ये सरसों का तेल लिया है क्योंकि हम अचारी बैंगन बना रहे हैं। इसके लिए सरसों का तेल को हमें अच्छे से गर्म करना पड़ेगा। और उसको पकाने के लिए एक मैट्रिक बता रही हूँ, आप इसमें ये नमक डाल दीजिए जिससे ये जल्दी से पक जाएगा। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच राई ली है मैंने, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच लौंजी, ये थोड़ी सी लाल मिर्च खड़ी। ये हमारे सब मसाले सिक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये लहसुन और अदरक का पेस्ट जिसे हमने दरदरा कूट लिया था। अब इसको भी खुशबू आने तक हमें सेकना है। ये सिक चुका है, हल्के से ब्राउन हो चुके हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। इसे हल्का ब्राउन होने तक हमें भुनना है, लो फ्लेम रखनी है गैस की। ये हमारी प्याज भी भुन चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ये टमाटर प्यूरी डालेंगे। इसे अच्छे से डाल के चला देंगे। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर ये मैंने एक चम्मच लिया है। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम ये हम अचारी मसाला डालेंगे जो हमने कूट कर तैयार किया था, और ये आधा चम्मच अमचूर पाउडर। हम अमचूर पाउडर ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमने टमाटर का यूज़ किया है। अब इन सब मसालों को हमें 5 मिनट के लिए पकने के लिए रखना पड़ेगा, और बीच बीच में हम इसको चेक करेंगे और चलाते रहेंगे। हम ग्रेवी चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल पक चुकी है। ये देखिए, इसने तेल भी छोड़ दिया है और इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ये हाफ कुक जो बैंगन थे हमारे वो डालेंगे। अब इस मसाले को इसमें अच्छे से इन बैंगनों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये आधा कटोरी पानी में इसमें डाल रही हूँ ताकि ये मसाले इस बैंगन में अच्छे से मिल जाएं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और ये जो हमारी ग्रेवी है इन बैंगनों में अच्छे से मिक्स हो जाएगी जब तक हमें इसको पकाना है। अब इसको 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। चलिए हम एक बार सब्जी चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा कलर आया है इसका और मसाले भी इसमें अच्छे से पक चुके हैं। हमारे बैंगन भी पक चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी ये कसूरी मेथी डालूंगी। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और अब हरा धनिया पत्ती डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारी मसालेदार चटपटी अचारी बैंगन की सब्जी बनके तैयार है। चलिए अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालते हैं। अब इसमें हम गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। ये लीजिए, हमारे अचारी भरवा बैंगन बनकर तैयार हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार।